सो हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। आई होप आप सब बढ़िया होंगे मेरी तरह। तो जैसे कि आज आपको पता चल गया, ये नई वीडियो आपके लिए लेकर आए हैं, बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो। जैसे कि लास्ट वीडियो में दिल्ली सिविल डिफेंस पे थी कंटेनमेंट की, तो काफ़ी लोग पूछ रहे थे कि ये वार्डन सर्विस क्या होता है, क्योंकि मेरे को लास्ट कमेंट में आया था कि वार्डन सर्विस पे। तो ये वीडियो उसी पर होने वाली है जिसको नहीं पता कि एक्चुअली वार्डन सर्विस क्या होता है, दिल्ली सिविल डिफेंस में इसको क्या बोला जाता है। तो ये एक सी फॉर्म में लिखा होता है, वार्डन सर्विस। पैसे जैसे कि आपको अपना सी फॉर्म दिखा देता हूँ, ये जैसे कि सी फॉर्म है, राइट। तो यहाँ पे आपको दिखेगा नीचे, अगर आप जाते हो एनरोलमेंट नंबर, एनरोलमेंट डेट और आपका डिवीज़न, फिर नाम, और उसके बाद धीरे धीरे आप नीचे जब आते हो तो आपको दिखेगा नेम ऑफ दिल्ली सिविल डिफेंस कॉर्प्स इन विच डिप्लॉयड, और उसके साथ लिखा होगा वार्डन सर्विस, राइट। यहाँ पे वार्डन सर्विस आपको दिख रहा होगा, वार्डन सर्विस लिखा होता है। वार्डन सर्विस एक्चुअली होता क्या है? यहाँ पे गाइस सबसे बड़ी बात है कि आप एक दिल्ली सिविल डिफेंस के वॉलंटियर हो, तो वार्डन इन दिस सेंस कि जब आप ज्वाइन करते हो दिल्ली सिविल डिफेंस, तो आप DCD होते हो, यानी कि दिल्ली सिविल डिफेंस, या CDV सिविल डिफेंस वॉलंटियर। जब आप एज अ वार्डन ही हो, वो सर्विस ही प्रोवाइड कर रहे हो, बट जैसे जैसे आपका एक्सपीरियंस बढ़ता है, जैसे जैसे आपका टाइम हो जाता है दिल्ली सिविल डिफेंस में, तो आपका प्रमोशन होता है, राइट। अगर आपके जो सीनियर्स हैं यहाँ पे, तो उनका भी एक लेवल है, यानी कि पोस्ट वार्डन है कोई, कोई सेक्टर वार्डन है, राइट, कोई डिप्टी डिवीजन वार्डन है, कोई डिविजनल वार्डन है, तो ऐसे कई और भी पद हैं ऊपर तक, यानी कि कम से कम लगभग लगभग आठ से नौ पद ऐसी हैं जहाँ पे आपका प्रमोशन होता रहता है ऊपर से ऊपर। बट यहाँ पे एक सबसे बड़ी दिक्कत क्या है कि यहाँ पे कभी सैलरी नहीं बढ़ती, और दूसरी बात है जिम्मेवारी बढ़ जाती है। जब आपका लेवल बढ़ता है, प्रमोशन होता है, आपका पद तो बढ़ गया, बट आपकी इनकम जो सैलरी है वही 774 के हिसाब से जो एक दिल्ली सिविल डिफेंस वॉलंटियर को मिलती है, उतनी ही ऊपर वालों को भी मिलती है। बट ये है कि आपका लेवल बढ़ जाता है, आपकी रिस्पेक्ट बढ़ जाती है, आपके नीचे एक टीम होती है दिल्ली सिविल लोगों की, और उसी को ही कहीं ना कहीं वार्डन कहलाते हैं, वार्डन सर्विस। अभी आप सिर्फ एक वार्डन सर्विस हो, जब आप ज्वाइन करते हो तो आप वार्डन सर्विस दे रहे हो, और जब आपका लेवल बढ़ेगा, यानी कि जब आपके यहाँ पे 3 स्ट्राइप्स आ जाते हैं, तब आप कहलाते हो सेक्टर वार्डन, और जब आप पोस्ट वार्डन कहलाते हो, पोस्ट वार्डन में 2 स्टार्स होते हैं, और ऐसे ही डिप्टी डिवीजन वार्डन में 2 स्टार प्लस आपका एक यहाँ पे गवर्नमेंट का एक लोगो होता है, वो होता है। तो ऐसे धीरे धीरे लेवल्स बढ़ते हैं, तो इसी को ही वार्डन सर्विस कराया था। अभी फ़िलहाल मैं और आप, अगर आप दिल्ली सिविल में वॉलंटियर, तो आप वार्डन सर्विस में ही कहलाओगे। जैसे जैसे आपका टाइम, जैसे जैसे आपका अगर लेवल बढ़ेगा, तो आपका सेक्टर वार्डन होगा, वार्डन सर्विस से हट के सेक्टर वार्डन पे आ जाओगे, फिर पोस्ट वार्डन, डिप्टी डिवीजन वार्डन, ऐसे कई और भी आगे बढ़ते रहता है इंसान। तो ये थी कि वार्डन सर्विस क्या होता है, और सबसे बड़ी बात, वार्डन सर्विस एज अ वॉलंटियरशिप है, और जैसे जैसे हमारा लेवल बढ़ता है तो हमारी जिम्मेवारी भी बढ़ती है। लोगों को लगता है कि यार अब हम, अगर हम प्रमोशन हो रहा है तो हमारा इसमें फ़ायदा है, तो इस फ़ायदा इन देंस सिर्फ रिस्पेक्ट मिलेगी आपको, और आपकी थोड़ी इज्जत बन जाएगी, आसपास आपका नाम हो जाएगा आपका अपने एरिया में, अपने डिवीज़न में, और बाकी सैलरी सब कुछ सेम रहती है। और वैसे भी अगर आप सोचते हो कि ये जॉब है, तो पहले भी मैं बता चुका हूँ, जॉब के पर्पज़ से मत ज्वाइन करना, एज आ देश की सेवा के पर्पज़ से, एज आ कहते हैं ना एक नागरिक की सुरक्षा के पर्पज़ से लोगों के लिए काम करना इस काम को। सो फ्रेंड्स, आपका एक और डाउट भी काफ़ी आ रहा था कि ड्यूटी किस चीज़ की होती है, यानी कि जो वार्डन सर्विस है, यहाँ पे ड्यूटी किस किस टाइप की ड्यूटी मिलती है। अभी फ़िलहाल के टाइम पे वैक्सीनेशन में ड्यूटी मिलती है, राइट, वैक्सीनेशन चल रही है, जो साइट्स हैं दिल्ली में बन रही है वहाँ पे ड्यूटी, और आपकी चलान में होती है, और आपके COVID-19 में कंटेनमेंट जोन बनते हैं वहाँ पे भी आपकी ड्यूटी लगती है, और ऐसे कई और जगह और भी होती हैं, जैसे कि डिस्पेंसरी में हो गया, राइट, और अपना कहीं कोर्ट हो गया, राइट, तो ऐसे कई जगह और भी होती हैं। बट मैक्सिमम जो आप ज्वाइन करोगे शुरुआती दौर में, बता रहा हूँ दिल्ली सिविल डिफेंस में, तो आपकी शुरुआती स्टार्टिंग में आपकी यहीं पे ही ड्यूटी आपको एलोकेट दी जाएंगी, जैसे कंटेनमेंट जोन में और आपका चलान में, या तो आपका वैक्सीनेशन में स्टार्टिंग में। उसके बाद धीरे धीरे जब आपका एक टाइम, जब आपकी अलग अलग वैकेंसी, जब नीड निकलती कहीं पर, जैसे मार्शल में, DTC में निकलती है, वहाँ पर भी आप अगर आप जाते हो और आप अप्लाई करते हो, आपका इंटरव्यू कंडक्ट होता है, और वहाँ पे भी आपकी ड्यूटी लग जाती है DTC मार्शल में। तो ऐसे कई जगह और भी ड्यूटीज़ होती हैं, बट शुरुआत आपकी हमेशा एज अ वार्डन सर्विस स्टार्ट होती है, और धीरे धीरे अगर आप
जाना चाहते हो, अगर आप आपकी फाइल जाती है SDM ऑफिस में, अगर आप चाहते हो कि मेरा लेवल बढ़े, पोस्ट वार्डन सेक्टर वार्डन में बनूं, तो आप एक कर सकते हो 3-5 साल आपको मौका में, आपके जो सीनियर्स है वही आपको, अगर आप अच्छा काम करोगे, आपका अच्छा कहते हैं ना पंचुअलिटी है, अच्छा सर्विस देते हो लोगों को और अपने सीनियर से एक अच्छा बिहेव है आपका, तो आपको भी नहीं पता चलेगा कि आपको सीनियर आगे खुद बोलेंगे आप अब आपको मैं पोस्ट वार्डन बना देता हूँ, सेक्टर वार्डन अगर आप बनना चाहते हो तो आप बन सकते हो, वो आपको खुद बना देंगे अगर आपका अच्छा बिहेव है उनके साथ। गाइस अगर आपको अच्छी लगी है गाइस ये वीडियो तो लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो मेरे चैनल को, घंटा होगा बेल होगा प्रेस कर दो, और अगर आपको वार्डन सर्विस का आपको ये डाउट क्लियर हो चुका है तो आई होप थम्स अप जरूर देना, और कमेंट में बताना अगर कोई भी डाउट हो रिलेटेड टू दिल्ली सिविल डिफेंस, कुछ भी जानना हो तो आप मुझे बताइए, उस पर आपके लिए पर्टिकुलर वीडियो मैं ज़रूर बनाऊंगा, और तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।